किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इफको कंपनी के सागरिका गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। सागरिका गोल्ड क्या है, यह हमारी फसलों को क्या लाभ पहुँचाता है, किन किन फसलों में इसे डाल सकते हैं, प्रति एकड़ कितनी मात्रा लेनी चाहिए, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। किसानी से संबंधित नया वीडियो YouTube पर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, युवकों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सागरिका गोल्ड, जिसमें ह्यूमिक एसिड, समुद्री लाभकारी पौधों का रस, विटामिन्स, फॉलविक एसिड, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्वों के साथ और भी कई तरह के तत्व मौजूद हैं। सागरिका गोल्ड के इस्तेमाल से पौधे की जड़ें मिट्टी में गहरी फैलती हैं, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, पौधे जमीन से अधिक पोषक तत्व और पानी का अवशोषण करते हैं जिससे फसल का संपूर्ण विकास होता है। यह एक ऑर्गेनिक पौध विकास वर्धक है, इसलिए जमीन में मौजूद सूक्ष्म जीवों की परवरिश एवं संख्या बढ़ाता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। यह पौधों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे विपरीत मौसम होने पर भी फसल गिरती नहीं है, फसल हरी होकर ग्रोथ करती है जिससे अच्छी क्वालिटी की उपज मिलती है। सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल हम अपनी सभी तरह की फसलों जैसे गन्ना, धान, गेहूं, सब्जियों, दलहनी फसलों, बागवानी आदि में कर सकते हैं। किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल हम बुआई के समय, वनस्पतिक विकास के समय और फूल फल आते समय कर सकते हैं। इसके प्रति एकड़ डोज की बात करें तो प्रति एकड़ 10 किलो सागरिका गोल्ड किसी भी खाद में मिलाकर या सिंगल ही छिट्टा लगाकर फसल को दे सकते हैं। धान गेहूं में 30 दिन के अंतराल पर दो बार सागरिका गोल्ड फसल को दे सकते हैं। पहला डोज हम 20 से 25 दिन की फसल होने पर और दूसरा डोज 45 से 50 दिन की फसल होने पर। गन्ना में हम 30 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 120 दिन की सब्जी वर्गीय फसल जैसे लौकी, करेला, नेनुआ, भिंडी आदि में 30 दिन के अंतराल पर दो बार सागरिका गोल्ड फसल को दे सकते हैं। गोभी की फसल में एक बार, जब गोभी 20 से 25 दिन की हो तो गुड़ाई करके गोभी की फसल को सागरिका गोल्ड देना बहुत फायदेमंद साबित होता है। 150 दिन की फसल जैसे बैगन, मिर्च आदि में 30 दिन के अंतराल पर 3 बार सागरिका गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। दलहनी वाले फसलों में 1 या 2 बार 30 दिन के अंतराल पर सागरिका गोल्ड फसल को दे सकते हैं। सोयाबीन, कपास, बीन्स, बोड़ा आदि की फसल में 30 दिन के अंतराल पर 2 बार सागरिका गोल्ड देना बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगा। यदि आप केला की खेती करते हैं और केला में सागरिका गोल्ड देना चाहते हैं तो केला की फसल में भी 30 दिन के अंतराल पर 3 बार सागरिका गोल्ड दे सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका गोल्ड वाकई में एक बेहतरीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसके इस्तेमाल से फसल बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती है और हर फसल से गुणवत्तायुक्त अच्छी पैदावार भी मिलती है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।